इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल भारत तिब्बत सीमाओं की रक्षा करने के अलावा बचाव कार्य, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कार्यों जैसे अनेक कार्यों से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सेक्टर हेडक्वार्टर शिमला में फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र आईटीबीपी के बलिदान और बहादुरी का ऋणी है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईटीबीपी को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के पास एक विशेष पर्वतारोही बल है और ये बल विशेषकर अधिकारियों और जवानों को पर्वतारोहण और स्कीइंग में प्रशिक्षित करता है। उन्होंने आईटीबीपी की उस टीम को बधाई दी जिसने 22,222 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहण अभियान लियो पार्गिल चोटी 2020 कोड नाम योद्धा को फतेह किया था। ये अभियान 17वीं वाहिनी रिकांगपियो द्वारा 20 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक चलाया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के अभियानों से जवानों में नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित होता है। इसके अतिरिक्त बहादुरी और साहस के साथ अनिश्चित और विशेष परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने अभियान के दौरान आईटीबीपी के स्वच्छता अभियान की सराहना की जिस दौरान बल ने लगभग 50 किलोग्राम नॉन बायो डिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया और वहां की स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दिया। 22,222 फीट कंक्रीट किया है। कोविड के समय में बताया जा रहा है ये एकमात्र ऐसा एक्सपेडिशन था, कितना महत्वपूर्ण। मैं आईटीबीपी के सभी जवानों को विशेष तौर से इस अभियान में जो शामिल हुए थे उनको बधाई देता हूँ। जो लियो पार्गिल एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 22,222 फीट के आसपास है, वहाँ तक इस अभियान को सफलतापूर्वक करना ये जोखिम भरा काम भी था, कठिन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड-19 का दौर पूरे देश में, दुनिया में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी इनने इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक किया। और आज इनका ये फ्लैग इन सेरेमनी यहाँ पर थी तो उसमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी जवानों को जो उस पर पार्टिसिपेट किए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आईटीबीपी के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है। और बहुत सारे ऐसे बीच में कभी आपदा के दौर आते हैं प्रदेश में और देश में, उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों की जान को बचाने में सहयोग करते हैं। देखिए, जहाँ तक इन सारी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के स्तर पर एक विशेष अभियान हमने भी जो पिछले दिनों किया, जिसमें हमने 5 कमांडेंट जो है पुलिस के बॉर्डर एरिया में भेजे थे गांव में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें अगर सरकार के स्तर पर करने को हैं तो उसमें हम तुरंत जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया वहाँ से, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे किन्नौर चाहे लाहौल स्पीति जो बॉर्डर एरिया के साथ, तिब्बत बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के साथ जो एरिया लगता है, वहाँ के गाँव के लोग जो है भारत के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव, देशभक्ति का भाव जो है उनमें है, और वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर हैं कि जो भी हो हम जो है वो अपने देश की रक्षा के लिए जो है बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। और उस कठिनाई में भी रहते हुए वो देशभक्ति का भाव उनमें जागृत तो देख करके सचमुच में बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि कठिनाइयां वहां पर हैं, दुर्गम है इलाका, जीवन कठिन है, और सुविधाओं की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी तक भी करने को महसूस होती है। हम उन सारी चीज़ों को लेकर के भी आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। केंद्र के लिए भी हमने वो रिपोर्ट भेजी है और केंद्र सरकार ने भी सारी बात पर जो है अपनी बात कहते हुए कि बहुत अच्छा फीडबैक जो है इस टीम के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आईटीबीपी वहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से तैनात है, मौजूदगी उनकी है वहाँ पर, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं और देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए आज के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सर, अगर हम भारत और चीन के बीच में जो कमांडर लेवल बातचीत है वो एक अलग दौर में पहुंच गई है। चाइना ने मना कर दिया है जो पैंगोंग लेक से पीछे हटने से, वहीं स्पष्ट तौर पे भारत ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट करना होगा, आपको हटना होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं इस स्तर पर? परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हमारा बोलना उचित नहीं है, बेहतर यही होगा, क्योंकि ये बॉर्डर इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर इश्यूज़ हैं, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं, और इसलिए उचित वही रहेगा उन सारी चीज़ों को। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत मोदी जी के भरोसे बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चुनौती बॉर्डर पर अगर, सीमा पर अगर कोई है, उसका सामना करने की परिस्थिति में, और दूसरा जिसने भी भारत के साथ इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने की, तनाव की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की है, तो वो भी अपने आप चैन से नहीं रह पाए, ये बात बड़ी स्पष्ट है। सर, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जो अगर संभव हो आपको कुछ बताना इसमें कि हमारे पांच जो पुलिस कमांडर जो गए थे, रिपोर्ट में ये क्या कहा गया? एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेज या केंद्र की अपनी डायरेक्शन है, वो अपना काम करें, हिमाचल किस तरह से तैयारी कर रहा है, चाहे वो आधारभूत ढांचा हो या संचार की व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी। दो चीज़ों को लेकर के जो आप कह रहे हैं, दो चीज़ों को लेकर के वहाँ पर प्रमुख रूप से है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बॉर्डर एरिया में, उसको लेकर के भी हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन और बेहतर हो, कम्युनिकेशन की दिक्कत है, कठिनाई है वहाँ पर, इस बात को लेकर के, दोनों चीज़ों को लेकर के। तीसरे, हमें इस बात को लेकर के अच्छी बात वो लगी कि भले ही वहाँ के जो नौजवान जो है वो काम व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो गांव में जो परिवार के लोग रहते हैं उनके, वो बिल्कुल मजबूती के साथ वहाँ पर जो है वो देश के साथ खड़े हैं। सरकार किस स्तर पर तैयार है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कहा है कि जो प्रायोरिटी फेस वाइज जो है उसमें क्या क्या किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के, कुछ जगह रोड का इशू है, कुछ जगह जो है वो और ज़्यादा जो चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, सुविधाओं की दृष्टि से जो है वो चीज़ों को करने की जरूरत। थैंक यू।